वैसे तो दुनिया की हर माँ का मंदिर होना चाहिए, लेकिन आज हम जहाँ है वो है माँ अम्बा का मंदिर। हेलो इंडिया, नमस्कार, वेलकम टू अम्बाजी। गुजरात का ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में एक है, जहाँ माता सती का हृदय है। यहीं पर हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मुंडन विधि। यहीं पर वनवास के दौरान पांडवों ने की थी माता की तपस्या भी। रावण को मारने के लिए भगवान राम को अजय बाण भी यहीं पर मिला था। ऐसी पावन धरती पर जब योग के फूल खिलेंगे तो प्रभाव काफी सकारात्मक होंगे। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग, जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। अंबाजी मंदिर का वर्णन कई स्तुतियों, पुराणों में और ट्रैवल ब्लॉग्स में पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1200 साल पुराना है। चलिए अंबाजी मंदिर में करते हैं आज की योग साधना, भुजंगासन। यह हमारी स्पाइन, चेस्ट और आर्म्स को मजबूत बनाता है। एक पाद अंगुष्ठासन, जो हमारी लोअर बॉडी से फैट कम करता है और हमारा पोस्चर ठीक करने के लिए बेस्ट आसन है। की लाइफस्टाइल है और जिस तरह का लोगों का खाना पीना है, उसकी वजह से लोगों को फैट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन से आसन करने चाहिए? जैसे कि भुजंगासन है, धनुरासन है, शल्भासन है, ये सभी आसनों में जितने भी पेट बल किए जाने वाले आसन हैं, वो पेट की चर्बी के लिए सबसे बेस्ट आसन है। और उसके अंदर जब हम आसन करते हैं तो पेट की चर्बी तो कम होती ही है, पेट के अंदर आंतरिक रोग होते हैं जो, वो भी दूर होते हैं और शरीर को तंदुरुस्त बनाने में लाभकारी होते हैं। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर अरावली पहाड़ों के बीच बना ये मंदिर वैदिक काल में बताए गए सरस्वती नदी के उद्गम के काफी पास है। चमकीले सफेद आरस पत्थरों से बने इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ श्री यंत्र की पूजा की जाती है। जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गब्बर पर्वत पे 51 शक्ति पीठों के मिनिएचर मंदिर का निर्माण कराया था, और ऐसा कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। यहाँ पास में गब्बर पर्वत पर भी विराजमान है माँ अम्बा। गुजरात आकर माँ अम्बा का आशीर्वाद जरूर लें और बालाराम पैलेस रिसोर्ट में हेरिटेज होटल का लुत्फ लेना और खेड़ ब्रह्मा में ब्रह्मा जी के दर्शन करना ना भूलें। योग करें, फिट रहें। जय हिंद।